ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके इसलिए बिहार सरकार लगातार कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस क्रम में आपको बताते चले कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न आवास से कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार रैली बोधगया नालंदा के राजगीर होते हुए रोहतास के पुतला भवानी तक जाएगी। इस कार रैली में 5 SUV है। कार में कैप्टन सहित कुल 30 व्यक्ति सवार शामिल है। इसके अतिरिक्त कुल 30 बाइक सवार भी इस रैली में शामिल हुए। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विजिबिलिटी काफी है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि टूरिज्म के क्षेत्र में विकास हो। बिहार का अपना खुद का इतिहास रहा है, ऐसे जगह हैं जो देखने लायक है और इसके लिए हम सबकी कोशिश है कि दुनिया में सबके सामने रखें और विजिबल बनाएं। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, ये सब तो पुरानी बात है, पहले भी चलती थी और अब भी चलती रहेगी, इस पर क्या ही बोलना। इसी के साथ साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कहा कि हम तो चाहते हैं कि आरक्षण में आरक्षण मिले, जो 30% मिल रहा है उसको 50% कर देना चाहिए, कहते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर 50% मिल जाता है महिलाओं को तो जो OBC की महिलाएं हैं, जो OBC में आती हैं, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि OBC अपना अधिकार लेना जानता है, अगर OBC को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो वो ईंट से ईंट बजा डालेगा, कहते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव, पहले आपको सुने। कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात है, ये तो होते ही रहेगा, ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए, तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। अरे तेजस्वी जी, मोदी जी का आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं क्या, ये महिला आरक्षण लाया गया है, आप तो इसका समर्थन करते हैं लेकिन फिर भी आपने बताया कि 30% ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें OBC महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। लालू जी, भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं, मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको MLC बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर OBC और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, ये तो सवाल पूछेगा। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि OBC जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है, अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। भाजपा ने कहा है। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नज़रिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना जाए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सुना। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि OBC जो है वो लड़ाकू समाज है,
अगर उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है तो ईंट से ईंट बजवा डालेंगे। इसी के साथ महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर क्या कुछ कहते हुए, तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सुना आपने। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।